So hello everyone, this is Deepak, and right now in this video we are going to discuss about डेट सीट ऑफ CBSE क्लास 10th और 12th। ठीक है, तो अभी एक दो दिन पहले अपडेट हुआ है, 4 तारीख को आई थिंक क्लास 10th। तो कैसे करना है अपने को चेक वो देख लेते हैं। मतलब अपन जो है डायरेक्टली CBSE की वेबसाइट से देखेंगे, आप ज़्यादा इधर उधर भटकने की बजाय लाइक कि यूट्यूब पे देखना है कुछ भी, आप डायरेक्ट जो है CBSE की वेबसाइट पे विजिट करो। और नहीं समझ में आता तो यू हैव टू आस्क इन कमेंट सेक्शन कि इसका मतलब मुझे नहीं आया समझ में। ज़्यादा इधर उधर करने की बजाय ये करोगे तो बेटर होगा, टाइम वेस्ट इज कम होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सा गूगल पे जाना है एंड cbse.gov.in सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको। उसके बाद फिर न्यू वेबसाइट यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है, वेट फॉर मिनट। यस, ठीक है, आपका जो सीबीएसई का जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे cbse.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई का। यहाँ पे आना है, लेटेस्ट जो भी न्यूज होगा रिगार्डिंग एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल्स वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिवाइज डेट सीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, तो यहाँ से देख सकते हैं अपन, या फिर यहाँ भी सेम ही चीज़ है, न्यू दिख रहा है आपको रिवाइज डेट, तो देख लो। टेंथ का देखना पहले अपन, टेंथ का देख लेते हैं। सो डाउनलोड कर लेना यहाँ से क्लिक करके, तो इस तरीके से आपको मतलब मिल जाएगा। ये लास्ट अपडेट इसका है, कब किया गया है ये जो एक्चुअली देख सकते हो यहाँ पे, 4 तारीख को आया था ये। ठीक है, 4 मार्च को आया था ये, अभी 2 दिन पहले, आज 7 तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज रिवाइज डेट शिफ्ट। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं बताता रहूँगा, लेकिन आपको ट्राई करना है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए। ठीक है, रेदर देन कि आप किसी यूट्यूबर के वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 4 मई को फर्स्ट सिटिंग 10:30 से 1 बजे, 1:30 तक ये जो भी है मतलब जो भी सब्जेक्ट है ये सब। उसका फिर 6 को है इंग्लिश कम्युनिकेटिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर। ठीक है, और 10 मई 2021 फर्स्ट रिंग 10:30 से इतना हिंदी कोर्स ANV, उसी तरीके से आपको जितने भी मतलब लैंग्वेज के कोर्सेज हैं वो 11 मई का है, दूसरे लैंग्वेज का फ्रांस जर्मनी, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। अपन फोकस करते हैं थोड़ा सा साइंस और मैथ्स पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो साइंस का, ये होम साइंस है एक्चुअली, होम साइंस का 20 मई, साइंस का थ्योरी की बात करें तो 21 मई को है 10:30 से 1:30 बजे तक। ठीक है, साइंस वालों का, साइंस का 10th का, और ये जो है प्रैक्टिकल, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल है साइंस का। ठीक है, क्या लिखा गया, इन प्लेस ऑफ मैथ। ठीक है, इसका मतलब होगा कुछ ना कुछ नीचे मेंशन किया हुआ, और भी जैसे जापानीज लैंग्वेज वगैरह है ये सब, और भी दूसरे लैंग्वेज है सिंधी वगैरह ये सब, तो इसके बारे में ये डेट शीट है। ठीक है, ये डेट है एक्चुअली। उसके बाद फिर सोशल साइंस, पहला तो साइंस हो गया फिर सोशल साइंस, ये है एक्चुअली 27 मई को। ठीक है, मस्त गैप मिलेगा आपको, फिर जिनका IT होगा जिन्होंने ले रखा होगा उनका। ठीक है, नहीं होगा तो बात नहीं। फिर उसके बाद और भी जो अलग कोर्सेस हैं जैसे डिटेल सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव ये सब, एग्रीकल्चर जिनके होंगे वो। ठीक है, नहीं महीने सब चीज़ करो। फिर नेक्स्ट, एक तो बेसिक मैथमेटिक्स होता है और एक स्टैंडर्ड होता है, तो जिनका भी बेसिक है वो उसका कोड होगा ये। ठीक है, बेसिक ही होता है एक्चुअली मेरे ख्याल से, 10:30 से 1:30 बजे तक 2 जून को है। ठीक है, और जिनका संस्कृत होगा उनका 3 जून को, अरेबिक होगा जिनका 3 जून को सेम टाइम। ये कोर्स कोड है, इसको देख लेना, कोर्स कोड सब्जेक्ट कोड है, मलयालम पंजाबी रशियन उर्दू कोर्स भी ये सब। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का 7 जून को, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इसको देख लेना। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम फॉर ईच पेपर हैज बीन इंडिकेटेड इन द डेट्स। ठीक है, कितने घंटे का, 10:30 से 1:30 मतलब 1:30 बजे तक, तो 3 घंटे। हाउएवर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम फॉर ईच सब्जेक्ट्स पर पेपर एज गिवन, ठीक है दिया जाएगा वहाँ पे। आंसर बुक्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट बिटवीन 10:30 से, ठीक है, मतलब 1/2 घंटे पहले दे दिया जाएगा आपको आंसर सीट, तो उसका एनालाइज करना, सही से पढ़ना वढ़ना कि क्या कैसे क्या करना है, कितने क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, कैंडिडेट वुड राइट देयर पर्टिकुलर्स ऑन आंसर बुक। ठीक है, पर्टिकुलर शैल बी चेक्ड एंड साइन बाय द असिस्टेंट सुप्रीमेंट, जो भी होगा वहाँ पे। क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट दिस, ठीक है, 10-15 मिल जाएगा आपको, वही सब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। और भी अपडेट्स ये फॉर फ्यूचर अपडेट, यू हैव टू गो ऑन cbse.nic.in। ठीक है, आप ज़्यादा यूट्यूबर के ऊपर जो है रिलाई नहीं करना, आप जाओ ना डायरेक्ट CBSE की वेबसाइट पर, जाओ अपने सीनियर्स को बोलो, सीनियर मतलब भैया हैं, पापा हैं, मम्मी है, उनको बोलो वो चेक करके बताएगी। ज्यादा दिन की आप किसी यूट्यूबर पे ज्यादा फोकस करो तो पता चल रहा है कुछ भी बता रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, 10 मिनट का वीडियो बना दिया, 2 मिनट के चक्कर में, मतलब इस तरीके से आप बचो थोड़ा सा।
ठीक है, तो हमने इसमें 10th का डेट शीट डिस्कस किया एंड जिन बच्चों का 12th का है वो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स सीबीएसई के रिगार्डिंग और जो भी स्टेट बोर्ड है उसके रिगार्डिंग और जो आपका कोर्सेज है, जैसे इस चैनल पे आपको साइंस का ऑलमोस्ट जो 10th है और 12th है, 11th 12th उसका सब चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे, आपको नोट्स वगैरह या फिर आपको लेक्चर चाहिए ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल टाइम टू टाइम होता रहेगा ठीक है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज डू लाइक अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको खराब लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो मेरे काम का है प्लीज डू डिसलाइक ताकि मुझे पता चले कि आप लोग विजिट तो कर रहे हैं एटलीस्ट ठीक है, उनको चाहिए क्या, तो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।